NSDL वर्सेस CDSL, आइए जानते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है हमारा, और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस है। NSDL जहां NSE के अंदर काम करता है, और वही CDSL BSE के अंदर काम करता है। NSDL ये हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है पूरे वर्ल्ड का। इसके पास 2 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव अकाउंट है, और CDSL के पास 6 करोड़ से ज़्यादा। NSDL की स्थापना सन 1996 में हुई थी, वही CDSL की स्थापना सन 1999 में हुई थी। अब बात रही कि ये दोनों काम कैसे करते हैं, तो मान लीजिए जैसे कि आपने कोई शेयर खरीदा, म्यूचुअल फंड लिया, या फिर बॉन्ड जो भी आप खरीदते हैं, वो सीधा इन्हीं दोनों में से किसी एक के पास स्टोर होता है। इन केस अगर आपका ब्रोकर बैंकक्रप्ट हो गया, भाग गया, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ इनके पास स्टोर रहती। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।